क्वेश्चन नंबर थर्ड है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। अब यहाँ भी हमने फैक्टराइज करनी है, कुछ पार्ट्स मैंने किए हैं, बाकी पार्ट्स आपने खुद करनी है। सेकंड पार्ट है 7p² + 21q². अब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं बनता है, इसलिए मैंने कॉमन निकाला 7p² और q² कॉमन नहीं निकलता है, तो 7 कॉमन निकाला, इधर बच गया p², 7 × 3 = 21, इधर क्या बचा 3 और साथ में q², यानी 7 कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आया p² + 3q². उसके बाद मैंने फिफ्थ पार्ट सॉल्व किया, lm + l एक ब्रैकेट में है और बाहर है m + 1। अब lm + l इन दोनों में कॉमन निकलेगा l, इधर क्या बचा m, इधर क्या बचा 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, हमने क्या कॉमन निकाला 1, इधर बचा m और साथ में 1। तो जब भी इस टाइप का सम हो, मैंने क्या बताया था, एक बार हम ब्रैकेट के बाहर वाला लिखते हैं l + m एक ब्रैकेट में, m + 1 एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, l की मल्टीप्लाई भी दोनों से हो रही है और 1 की मल्टीप्लाई भी दोनों से हो रही है, यानी ये स्टेप उसके बाद ये स्टेप, तो l + 1 और m + 1 इसकी आई फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद सेवंथ पार्ट है 5y² - 20y - 8z + 2yz। अब अगर मैं इन दोनों में कॉमन निकालूं, ये छोटी टर्म है ये बड़ी टर्म है, लेकिन इधर पहले बड़ी है फिर छोटी है, इसलिए कॉमन जो आएगा ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, इनको अरेंज किया, 5y² - 20y ऐसे ही रखा, 2yz पहले लिखा और -8z बाद में लिखा। अब छोटी बड़ी टर्म हो गई, फर्स्ट टू में कॉमन निकाला 5 और y, 5y जब कॉमन निकाला इधर क्या बच गया सिंगल y, और इधर माइनस का माइनस 5 × 4 = 20, y हमने कॉमन निकाला था, 5y × 5y - 4 यही प्रोडक्ट आएगा। अब इन दोनों में कॉमन है +2, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, साथ में z भी कॉमन निकलेगा, इधर क्या बच गया y, माइनस का माइनस 2z × क्या करेंगे 4, 2z × -4 आएगा -8z। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम है, एक बार हम लिखते हैं 5y + 2z एक ब्रैकेट में और y - 4 दूसरी ब्रैकेट में, तो ये इस पार्ट की फैक्टराइजेशन होगी। अब उसके बाद मैंने किया नाइन्थ पार्ट सॉल्व 6xy - 4y + 6 - 9x। इसमें भी मैंने लास्ट वाले दो अरेंज किए हैं, देखो 6xy बड़ा छोटा, इधर भी बड़ा छोटा लाने के लिए -9x पहले लिखा, 6 बाद में लिखा। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है 2y, इधर बच गया 3 और x, 2 × 3 = 6xy, और माइनस का माइनस 2 × 2 = 4, एक आया 2y, हमने पहले का कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में आया 3x - 2, माइनस हो तो माइनस जरूर बाहर निकालना, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 कॉमन आ गया, 3 × 3 = 9, एक्स का x, 3 × 2 = 6, माइनस बाहर निकाल लो, इसका साइन क्या हो जाता है चेंज, माइनस प्लस माइनस। अब ब्रैकेट के बाहर है 2y - 3 और ब्रैकेट के अंदर है 3x - 2, यही इस पार्ट की फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। अब यहाँ पे फैक्टराइज करना है, लेकिन ये थोड़े मुश्किल है पार्ट्स। सेकंड पार्ट किया है मैंने, फर्स्ट पार्ट सेम सेकंड की तरह ही है, फर्स्ट पार्ट थोड़ा ज्यादा इजी है, p⁴ - 81। अब यहाँ पे फार्मूला यूज होना है a² - b², तो इसलिए मैंने क्या किया p² का होल स्क्वायर किया और इधर हम 9 का होल स्क्वायर, आप 3² का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है, तो p² का स्क्वायर और 9 का होल स्क्वायर यानी a² - b², तो a² - b² होता है a + b × a - b, ये मैंने रीजन लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, तो a² टर्म है p² b टर्म है 9 p² + 9, a टर्म है p² b टर्म है 9 p² - 9। अब ये एक बार फिर ब्रेक हो सकता है, p² + 9 नहीं होगा लेकिन p² - 9 ब्रेक हो सकता है, तो 9 को मैंने लिखा 3 का होल स्क्वायर, तो p² - 9 का आ गया p² - 3 का होल स्क्वायर, p² + 9 ऐसे रहा, ये फार्मूला बन गया a² - b², यानी p + 3 × p - 3, तो ऊपर वाला रीजन ही आपने यहाँ भी दे देना है a² - b² = a + b × a - b। उसके बाद पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर फोर्थ ये सेम मेथड की है, मैं एक स्टेप इसका एक स्टेप उसका समझाता जाऊंगा, x⁴ - y + z⁴, इसी तरह x⁴ - x - z⁴, यहाँ भी a² - b² बनना है, वहां भी, तो a² - b² यानी x² का स्क्वायर - y + z² का होल स्क्वायर, सेम यहाँ पर x² का स्क्वायर - x - z² का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी a² - b² बन रहा है, वहां भी a² - b² बन रहा है, तो a + b a - b, ए टर्म है x² + b टर्म है y + z² ए टर्म है x² - b टर्म है y + z² होल स्क्वायर, वैसे यहाँ पर x² + b टर्म है x - z² होल स्क्वायर, x² - b टर्म है x - z² होल स्क्वायर, यानी a² - b² किसके बराबर होगा a + b × a -
बी के बराबर। तो इधर भी सेम फार्मूला। अब ध्यान से पहले मैं ये समझाऊंगा, उसके बाद वहां पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला नहीं बन रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आ रहा है। तो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो ए टर्म है वाई वाई स्क्वायर, बी टर्म है जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। ठीक है, ये मैंने ब्रेक किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए प्लस बी एक्स ए है बी वाई प्लस जेड है, एक बार प्लस एक्स माइनस बी यानी वाई प्लस जेड। तो इसका रीजन आप दे सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो इसका फार्मूला आपका सेम वही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस टू वाई जेड, ये आपका सेम रहेगा क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन इधर जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा, लेकिन जब एक्स माइनस वाई प्लस जेड करोगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, यानी एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो इस पार्ट का आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दूसरी ब्रैकेट में, और थर्ड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। अब फोर्थ पार्ट मैंने दो स्टेप आपको यहां तक समझाए थे, यानी एक्स प्लस एक्स माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, यहां तक क्लियर किया था। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका फार्मूला लगा रहा हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड। तो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी एक्स माइनस जेड, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस जेड। तो एक्स स्क्वायर हो गया टू एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड सेम, एक्स प्लस या प्लस के साथ ब्रैकेट खोलोगे सेम रहेंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, या माइनस के साथ खोलोगे साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स माइनस एक्स प्लस जेड। तो ये टर्म सेम रहेगी, एक्स प्लस एक्स हो गया टू एक्स माइनस जेड का माइनस जेड, ये एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो बचा जेड। तो यही इस पार्ट का आंसर होगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड इंटू टू एक्स माइनस जेड इंटू जेड। टर्म आपकी आगे पीछे हो सकती है ब्रैकेट वाली, लेकिन आपका आंसर यही रहेगा। पार्ट है ए की पावर फोर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर, ये पार्ट इजी है। तो ये बन गया ए स्क्वायर का स्क्वायर, बी की पावर फोर बना बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आ गया माइनस ट्वाइस इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी ट्वाइस ए बी। तो ये फार्मूला आया ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर ट्वाइस ए बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए टर्म है ए स्क्वायर बी टर्म है बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम दो बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये द्वारा फार्मूला बन सकता है। तो रीजन यहाँ पे आपने जरूर देना है इसका, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे द्वारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका भी फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बुक में जैसा आंसर दिया वैसा मैंने इसको आगे सॉल्व किया है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी को एक साथ लिखा है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को एक साथ लिखा है। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही इस पार्ट का आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो इसके फैक्टराइज करने का अलग तरीका है, यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं यूज होगा। तो हमने क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्यू स्क्वायर माइनस टेन क्यू प्लस ट्वेंटी वन, ये सेकंड पार्ट है। तो थर्ड भी मैंने समझाना है, फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे। तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा 21 क्यू स्क्वायर। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई 21 क्यू स्क्वायर आए, लेकिन प्लस माइनस माइनस 10 क्यू ही आए। अब मैंने ब्रेक कैसे किया, क्यू स्क्वायर माइनस 7 क्यू और माइनस 3 क्यू, माइनस 7 क्यू और माइनस 3 क्यू कितना होता है, माइनस 10 क्यू। इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, वो आ रहा है 21 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 10 क्यू को ऐसे ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके 10 क्यू माइनस 10 क्यू आए, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए 21 क्यू स्क्वायर के। ठीक है, आ गया। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन निकालना है, वो वही पुराना मेथड। फर्स्ट टू में कॉमन आया क्यू, क्यू माइनस 7, इन दो में कॉमन आया माइनस 3, इधर बच गया क्यू माइनस प्लस माइनस 3 7 जा। ब्रैकेट के अंदर हमेशा सेम आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला क्यू माइनस 3, एक बार अंदर वाला क्यू माइनस 7, तो इसकी फैक्टराइजेशन यही होगी। उसके बाद मैंने थर्ड पार्ट किया है, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, इन दोनों का प्रोडक्ट आता है अब माइनस 16p स्क्वायर।
तो इसको आपने ब्रेक ऐसे करना है कि प्लस माइनस करके 6p आए, लेकिन प्रोडक्ट आपका 16p² ही होना चाहिए। तो मैंने ब्रेक किया p², इसको ब्रेक किया 8p - 2p, 8p में से 2p निकालो क्या बचेगा 6p, और 8p को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16p² ही आएगा। ये नहीं कि आप इसको लिख लो जैसे 6p है 4p + 2p, लेकिन प्रोडक्ट आपका -16p² नहीं आ रहा है। 6p किसी तरह से भी आएगा, लेकिन प्रोडक्ट आपका ये आना चाहिए, इसलिए हमने 6p को ब्रेक उस ढंग से करना है, प्लस माइनस करके 6p आए, लेकिन मल्टीप्लाई 16p² के बराबर होनी चाहिए। उसके बाद क्या बताया मैंने, फर्स्ट टू में कॉमन और लास्ट टू में कॉमन। फर्स्ट टू में कॉमन आया p, तो p प्लस 8 बचा, माइनस है तो माइनस जरूर कॉमन निकालना, इधर निकाला 2, इधर क्या बच गया p, माइनस माइनस प्लस 2 × 8 = 16। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला p माइनस 2, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला p प्लस 8, तो p माइनस 2 × p + 8, यही इस पार्ट की फैक्टराइजेशन होगी।